कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी बुधवार को मध्य प्रदेश के दौरे पर आई है, जहां उन्होंने इंदौर जिले की सावेर विधानसभा और देवास के खातेगांव में चुनावी सभा को संबोधित किया। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव ने मध्य प्रदेश सरकार में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट को जमकर घेरा है। प्रियंका ने कहा कि जब कोरोना का कहर था, आपके यहाँ से स्वास्थ्य मंत्री सिलावट बेंगलुरु के रिजॉर्ट में आपकी सरकार की सौदेबाजी कर रहे थे। अब आप देखिए, कोरोना का कहर था, आपके यहाँ से स्वास्थ्य मंत्री थे कौन थे? सिलावट जी थे। कोरोना चल रहा था, कोरोना के समय सिलावट जी कहाँ थे? किसी को याद है? बैंगलोर के एक रिजोर्ट में थे। क्या कर रहे थे? सौदेबाजी कर रहे थे। किस चीज की सौदेबाजी कर रहे थे? आपकी सरकार की कर रहे थे कि नहीं? स्वास्थ्य मंत्री थे, उनकी जिम्मेदारी थी। कोरोना चल रहा था, तबाही मच रही थी, हर जगह आप ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं, वो बैंगलोर में बैठे सौदा कर रहे हैं। उनकी जिम्मेदारी थी जब वो शुद्ध के लिए युद्ध का जो आपने छेड़ा था कमलनाथ जी नारा कि मिलावट रोकनी है। सिलावट जी क्या कर रहे थे? सरकार में मिलावट लाने की बात कर रहे थे। तो अच्छा हुआ चले गए, अच्छा हुआ चले गए, क्योंकि जैसे नेता जो आपके जनमत को पैसों के पैसों और धन को इस्तेमाल करके आपके जनमत को बिगाड़ कर एक ऐसी सरकार ला सकते थे आपके प्रदेश में जो आपका नुकसान करे, अच्छा है दूसरी पार्टी में चले गए। और शायद अगर आप अपना वोट विवेक से देंगे तो और अच्छा होगा, वो थोड़ा सा सबक भी सीख लेंगे। थोड़े दिनों सत्ता से बाहर रहे हर नेता की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, तभी तो सीखते हैं नेता।